in order to have an idea how efficiently a firm is utilizing its total assets we use a financial ratio which is called return on assets so as i mentioned that it is the name is return on assets it means that we are going to take into account the overall income earned by a company in a certain time period which will be considered as the net income नेट इनकम को आप डिवाइड करते हैं या इन टर्म्स ऑफ इवैल्यूएट करते हैं कि आपके टोटल एसेट्स कितने हैं तो आपको पता चलेगा कि आपके टोटल एसेट्स किस हद तक आपके अर्निंग्स में कन्वर्ट हुए हैं या आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एफिशिएंट है या इनफिशियंट है सो so, इस पर्टिकुलर चीज़ को एनालाइज करने के लिए वी यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स व्हिच इज एब एज आर सो जब हम ने इन्वेस्ट करना है किसी भी कंपनी में उसके स्टॉक्स लेने हैं या किसी बैंक से आपने लोन लेनी है या कोई भी एन आन, एनालिस्ट ने आपकी फ़र्म की ओवरऑल एफिशिएंसी को एनालाइज करना है आपके साथ बिजनेस करने के लिए या आपको कोई सजेशंस देने के लिए तो जो चंद अहम चीज़ें कंसीडर की जाती हैं इन तमाम लोगों के लिए अहम है उनमें एक आर भी एक अहम कॉन्सेप्ट है जो कि फ़ाइनेशल एफिशंस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में या प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में अहम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू ऑल दीज डिफरेंट स्टेक होल्डर्स या डिफरेंट हु आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस विद अ सर्टन कंपनी सो रिटर्न ऑन एसेट हमेशा हम परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं इफ़ वी लुक एट द फार्मूला द फार्मूला विच इज़ यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर ओ ए वी सी दैट वी ऑलवेज पुट द नेट इनकम इन द न्यूमिनेटर एंड वी पुट द टोटल एसेट्स इन द डिनिनेटर नेट इनकम आपने इनकम स्टेटमेंट में से ली है सो so, आपने दोनों की नेट इनकम की वैल्यू को टोटल एसेट्स से डिवाइड कर दिया आपके पास जो भी वैल्यू आएगी आप उसको कंपेयर करने के लिए या एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं सो आर की वैल्यू आपको बताती क्या है इफ़ द वैल्यू इज़ हाई तो इट मीन्स कि आपके जो एसेट्स हैं वो बहुत एफिशिएंटली इस्तेमाल हो रहे हैं अगर आर की वैल्यू बहुत छोटी है बहुत कम है तो इसका मतलब है कि आपके एसेट्स एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं हो रहे आपके पास इट्स बेसिकली इफ़ यू लुक एट द फॉर्मूला तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये क्या बताने की कोशिश कर रही है वो कह रही है आपने जो नेट इनकम कमाई है यानी कि टैक्सेस या सारे अलाउंसेस वग़ैरह पे करके जो आपके पास पैसे बचे हैं uh, आप उसको कंसिडर करते हैं अपने टोटल एसेट्स से मैच करें तो टोटल एसेट्स आपके पास अगर बहुत ज़्यादा हैं और नेट इनकम बहुत कम है तो इट इट मीन्स आर विल बी स्मॉल एंड इफ आर इज स्मॉल इट मीन्स कि आपके पास बे, बजाय बेशक आपके पास टोटल एसेट्स बहुत ज्यादा अमाउंट के हैं लेकिन आपने उन एसेट्स को बहुत अच्छे तरीके से अपनी इनकम में या अर्निंग्स को कमाने में इस्तेमाल नहीं किया सो दिस इज़ वॉट बेसिकली आर ओ एल्जास सो इन ऑर्डर टू अलास्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ आर ओ एंड हाउ द कंपेरिजन कैन बी मेड आई एम गो टू यू गिव यू एन एग्ज़ाम्पल सपोज वी हैव गोट टू इंडिविजुअल्स वन इज़ सैम एंड द अदर इज़ फ्रैन दोनों ने किसी भी एक मार्केट में शारमा के शॉप्स खोले हैं सैम ने थोड़े पैसे लगाए उसके पास उसने वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड डॉलर की इन्वेस्टमेंट की और एक छोटा सा स्टैंड लगा लिया जिसके ऊपर वो श्र्मा सेल करने जा रहा है ऑन द अदर हैंड वी हैव गोट फ्रैन जिसने वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थाउजेंड डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की काफ़ी उसने ढेर uh, सारी तरह की डिज़ाइनिंग्स वगैरह कराई और बड़े एक्सपेंसिव से किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसे खर्च किए और उसने अपना अगैन उसने भी एक शॉर्मा की शॉप खोली लेकिन यहाँ पैसे ज़्यादा हैं तो अभी वी आर टू सी के हाउ टोटल एसेट्स की वैल्यू गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू योर नेट इनकम तो आप स्मार्टली अगर बिजनेस को मूव कर रहे हैं तो आप बिजनेस uh, को ऑपरेट करें तो आपका जो टोटल एसेट्स का जितने भी आपके पास एसेट्स हैं वो नेट इनकम में रिफ्लेक्ट होने वाले हैं लेकिन अगर आपके टोटल एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं और अर्निंग्स आपके उसके तनासुब से कम है इसका मतलब है कि आप एफिशेंटली बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर रहे तो अगर हम सैम की आर कैलकुलेट करें इस गिवन एग्जाम्पल में और दोनों ने जब हमने देखा कि उनका प्रॉफिट क्या है यानी कि नेट इनकम उनको ने, उन्होंने क्या कमाया तो बाय द एंड ऑफ द ईयर इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू बी हंड्रेड एंड फिफ्टी डॉलर विच हैज़ बीन अर्नड बाय सैम और फ्रैन का जो अर्निंग है दैट टर्नड आउट टू बी 1200 हंड्रेड यू एस डॉलर्स तो अब दोनों की आर ओ ए कैल्कुलेट करेंगे क्योंकि हमारे पास नेट इनकम भी है और हमारे पास टोटल एसेट की वैल्यू भी है सो फॉर सैम फॉर सैम द वैल्यू फॉर आर ओ एज़ वन हंड्रेड एंड फिफ्टी डिवाइडेड बाई फिफ्टीन हंड्रेड डॉलर एंड दैट टर्नड आउट टू बी टेन परसेंट और फ्रैन ने एक सौ पचास हज़ार डॉलर खर्च किए थे उसके टोटल एसेट वन हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड के थे वो हमने डिनोमिनेटर में रखे अर्निंग उसकी बारह सौ डॉलर रखी न्यूमरेटर में उसका आर ओ ए कैल्कुलेट हुआ एट परसेंट तो यू कैन दाओ कम्पेयर आपको लग रहा था वहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है तो देर में भी अब पॉसिबिलिटी कि उसके अर्निंग्स ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू द अदर पर्सन हैज इन्वेस्टेड लिटल अमाउंट ऑफ मनी ऑन हिस्स स्टैंड लेकिन हियर आर ओ ए गिवज यू आ बेटर पिक्चर दैट इफ यू कंसिडर द टोटल नेट इनकम यू कैन सी दैट हाउ एफिशेंटली द फर्स्ट पर्सन यानी कि सैम ने कितने अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को एफिशिएंटली काम किया है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी या उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज़ बेटर देन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिज़नेस कंडक्ट रन बाय फ्रैन हालांकि फ्रैन के बिज़नेस की जो वैल्यू थी वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सैम सो सैम की बिज़नेस को हम समझ सकते हैं या कंसिडर करते हैं आर की वैल्यू के ऊपर कि वो ज़्यादा एफिशेंटली उसने ऑपरेट किया है सो इफ़ वन यू हैव द वैल्यू ऑफ आर ओ ए इट इज़ यूज टू कंपेयर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट कंपनीज अगैन फॉर एनालिसिस परस और आपके एक और अहम बात जो आपको यहाँ समझनी है वो ये है कि हमारे पास दो तरह की कंपनीज होती हैं एक सर्विस ओरिएंटेड है एक कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज होते हैं कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज़ के अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या रॉ मटेरियल के तौर पे या बहुत रिच किस्म की एक्सपेंसिव किस्म की कैपिटल इक्विपमेंट इंस्टॉल करनी पड़ती है ओनली देन यू आर एबल टू जनरेट सम मनी या आप कोई भी प्रोडक्ट को बना सकते हैं सो कैपिटल इंटेंसिव कंपनी में जो टोटल एसेट की वैल्यू है वो हमेशा लार्ज होगी यानी कि डिनोमिनेटर का वैल्यू बहुत लार्ज होगा अगर आप आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एज सर्विस ओरिएटेड फर्म्स में आपको बहुत ज़्यादा टोटल एसेट्स के ऊपर इन्वेस्ट करना नहीं पड़ा फॉर एग्जाम्पल आप एक डॉक्टर के क्लिनिक में जाएंगे आम से डॉक्टर के क्लिनिक में जाएंगे आप वो आपको वहाँ देखने को मिल रहा है एक टेबल है एक कुर्सी है या दो कुर्सियाँ हैं एक पे डॉक्टर साहब खुद बैठे होंगे उनके पास दो तीन तरह के आले पुर्जे बने हुए पड़े हुए हैं और उनकी मदद से वो अपना प्राइवेट क्लिनिक कंडक्ट कर सकते हैं लेकिन इसी तरह से अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है तो उसमें आप इतने छोटे से सामान के साथ अपने सॉफ्टवेयर हाउस को नहीं बना सकते आपको बहुत एक्सपेंसिव किस्म के एसेट्स को पहले बाय करना पड़ेगा तो जब हम आर कैलकुलेट करेंगे तो डॉक्टर साहब की क्लिनिक के लिए टोटल एसेट्स की वैल्यू कम होगी सॉफ्टवेयर हाउस के लिए आपके पास टोटल एसेट्स की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी तो जब हम नेट इनकम को कंसिडर करेंगे न्यूमरेटर में रखेंगे दोनों केसेस में तो सपोज अगर नेट इनकम दोनों का सेम है तो आपको सॉफ्टवेयर हाउस के लिए आर कम देखने को मिलेगा सो so, दे

We can compare the values of ROA of one company and the other company that should be a part of the same sector.